डिजिटलाइजेशन के इस दौर में हर इंसान टेक्नोलॉजी पर पूरी तरह निर्भर है। आज इंसान छोटी से छोटी चीज की जानकारी हो या बड़े से बड़ा काम, बस कुछ क्लिक्स पर कर लेता है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है कि उनके ऊपर खतरा भी उतना ही बड़ा है। कोई भी इंसान कंप्यूटर में काम करता है तो उसे हमेशा डर रहता है कि कहीं उसका भी कंप्यूटर कोई हैक ना कर ले। इसलिए आज हम क्राइम टक पर दुनिया के 5 सबसे बड़े हैकर्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो किसी भी सिस्टम को हैक करने में माहिर हैं। जोनाथन जेम्स, इसे दुनिया का सबसे खतरनाक हैकर माना जाता है। बता दें कि जोनाथन ने ऐसा काम किया था जिससे नासा भी हैरान रह गया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जोनाथन ने अमेरिकी सरकार के डेटाबेस तक पहुंचकर नासा के नेटवर्क से अंतरिक्ष स्टेशन के ऑपरेशन की सारी जानकारियां निकाल ली थी, जिसके बाद नासा को अपना नेटवर्क 3 हफ्ते के लिए बंद करना पड़ा था। अल्बर्ट गोंजालेज दुनिया का एक ऐसा हैकर है जिसने करोड़ों लोगों को कंगाल बना दिया था। गोंजालेज के पास 17 करोड़ लोगों के क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स थी, जिसे बेचकर उसने करोड़ों रुपए कमाए। यही नहीं, वो फर्जी पासपोर्ट, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट जैसी चीजें भी बनाता था। केविन पॉल्सन ने एक रेडियो स्टेशन का सिस्टम हैक कर लिया था और शो जीत लिया था। शो में जीतने के बाद उसे पॉश कार मिली थी, जिसके बाद FBI की नजर उस पर पड़ गई थी, जिसके बाद उसने FBI को भी नहीं छोड़ा और उनके सिस्टम को भी हैक कर लिया, जिसके बाद उसे 51 हफ्ते की सजा सुनाई गई। केविन मिटनिक को अमेरिका का सबसे खतरनाक साइबर क्रिमिनल माना जाता है। वो बड़े से बड़े सीक्रेट प्रोजेक्ट को भी हैक कर लिया करता था। केविन ने अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी अलर्ट प्रोग्राम में सेंध लगाई, साथ ही कॉर्पोरेट सीक्रेट्स की फाइल भी आसानी से खोल निकाली थी, जिसके लिए उसे 25 साल के लिए जेल भेज दिया गया था, जिसके बाद वो कंसल्टेंट बन गया और अब वो साइबर सिक्योरिटी को नई दिशा में ले जाने के लिए काम कर रहा है। रियान कॉलिंस हैकर ने जेनिफर लॉरेंस से लेकर केट अपटन की न्यूड फोटो लीक की थी, जिसके लिए सजा भी दी गई थी। मोबाइल से प्राइवेट फोटो, मैसेज और वीडियो निकालने में ये माहिर है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम टक।